नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल के एक और नए वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त गिरीश। दोस्तों, आप मुझे कई सारे क्वेश्चन भेजते रहते हैं जिनका मैं आपको रिप्लाई भी करता रहता हूं और आपके बताए हुए टॉपिक पर मैं वीडियो भी बनाता रहता हूं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मुझसे क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, वो ये है कि आपकी गाड़ी इतनी साफ़ कैसे रहती है, आपकी गाड़ी का जो इंजन कंपार्टमेंट स्पेशली वो बहुत ही ज़्यादा साफ़ रहता है, जबकि मेरी गाड़ी को 5 साल हो गए हैं। तो इस बारे में मैंने दोस्तों कुछ वीडियो भी बनाए हैं और मैंने बताया है कि क्या रीज़न है जो मेरी गाड़ी का जो इंजन कंपार्टमेंट है या अंडर बॉडी पार्ट है वो इतने क्लीन रहते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें कोई मैजिक नहीं है। आप अगर ये सोचते हैं कि मेरी गाड़ी का जो इंजन है वो एकदम से साफ़ हो जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। पहले मैं आपको अपनी गाड़ी का इंजन दिखा देता हूँ बोनट को ओपन करके। तो यहाँ पर जो है कोई ट्रिक का यूज नहीं किया है दोस्तों, ना ही मैं जो है इसको बहुत ही ज़्यादा वॉश करता हूँ, लेकिन समय पर इसकी क्लीनिंग ज़रूर करता हूँ। क्लीनिंग से मेरा मतलब ये है कि रेगुलर क्लीनिंग होती है इसकी। अगर मेरी गाड़ी कोई ट्रिप करके आती है उसके बाद पूरी गाड़ी को साफ़ करता हूँ मैं। उसके बाद जो है पूरे इंजन कंपार्टमेंट को भी साफ़ करता हूँ। अगर कोई पानी के छींटे वगैरह आ जाते हैं इंजन कंपार्टमेंट में तो उसको जो है गीले कपड़े से भी साफ़ करता हूँ। इसमें मुझे 10 से 20 मिनट भी लग जाते हैं। तो मैं प्रॉपर जो है गाड़ी का जो इंजन कंपार्टमेंट है उसको शुरू से ही साफ़ करता हुआ आ रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं एक बार साफ़ कर लेता हूँ फिर उसके बाद 2-3 महीने बाद साफ करता हूँ, ऐसा नहीं है दोस्तों। मैं जो है रेगुलर साफ़ करता हूँ। मान लीजिए मेरी गाड़ी आज गई और 200-300 किलोमीटर चल के आई, उसके बाद मैं जब गाड़ी को बाहर से साफ़ करता हूँ तो अगर मुझे लगता है इंजन कंपार्टमेंट गंदा है तो उसको भी साफ़ कर लेता हूँ गीले कपड़े से, ठीक है। इसमें कोई मैजिक ट्रिक नहीं है। दूसरा, मैं ये भी ध्यान रखता हूँ जैसे मेरी गाड़ी के अंडर बॉडी पार्ट है वो भी बहुत क्लीन रहते हैं, जो एग्जॉस्ट सिस्टम हुआ या नीचे के जितने भी पार्ट होते हैं वो भी बहुत क्लीन रहते हैं। तो आप सोचते होंगे कि मैं ऐसा कैसे कर लेता हूँ, नीचे कैसे मेरी गाड़ी की क्लीनिंग हो पाती होगी। तो इसमें भी कोई ट्रिक नहीं है दोस्तों। मैं आपको बता दूँ कि जब कहीं पर जो है गंदगी होती है रोड पर या पानी वगैरह डला होता है तो वहाँ पर मैं अपनी गाड़ी को बचा के निकालता हूँ, और अगर पानी से ही निकालना हो तो फिर मैं गाड़ी की स्पीड बिल्कुल स्लो करके निकालता हूँ जिससे गाड़ी अंदर से गंदी नहीं होती। हाँ, मेरी गाड़ी बरसात में बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है, क्योंकि बरसात में तो अगर आप हाईवे पर चलते हैं तो फिर गाड़ी अंदर से भी गंदी होती है, नीचे से भी गंदी होती है। तब मैं एक आध बार जो है अपनी गाड़ी को पूरा जैक पर उठवा कर पूरा वॉश करवाता हूँ वॉशिंग सेंटर पे, ठीक है। उससे पूरा जो नीचे के पार्ट होते हैं गाड़ी के, पूरे जो पार्ट होते हैं वो अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं कुछ भी नहीं करता। बहुत से लोग कह रहे थे कि आप वैक्स कराते हो इंजन कंपार्टमेंट में। भाई, मैंने तो आज तक वैक्स मशीन देखी भी नहीं है किस तरह से होता है। बाकी आप लोग कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन इसमें कोई ट्रिक नहीं है। एक चीज़ मैं बता दूं, जैसे कि ये फ़िल्टर का जो कवर है इस पर अगर मुझे लगता है कि ये जो है वाइट हो रहा है तो इस पर मैं पॉलिश कर लेता हूँ। वो भी रेगुलर नहीं करता दोस्तों, 3-4 महीने में एक बार करता हूँ। जैसे कि मैंने कुछ वीडियो में बताया इंटीरियर के जो प्लास्टिक पार्ट है उन पर जब मैं पॉलिश यूज करता हूँ तब इस पर भी कर लेता हूँ। बाकी इसमें कोई भी मैजिक ट्रिक नहीं है, आप मेरी बात का विश्वास करें या ना करें। इसमें जो है मैं कुछ भी ऐसा नहीं करता हूँ कि बाहर से कुछ करवाऊँ या फिर जो है एक दिन में अपनी गाड़ी को क्लीन कर लेता हूँ। मैं रेगुलर, मेरी गाड़ी को 5 साल हो जाएंगे 15 जनवरी को, तब से ही जो है मैं शुरू से इसको इसी तरह से क्लीन करता हुआ आ रहा हूँ। इसी वजह से मेरी गाड़ी साफ़ है। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं 4-5 महीने अपनी गाड़ी को चलाऊँ उसके बाद क्लीन करूँ, तो फिर आपकी गाड़ी का जो इंजन कंपार्टमेंट है या बॉडी के पार्ट है या अंडर बॉडी पार्ट है वो साफ़ नहीं हो पाएंगे उतनी अच्छी तरीके से। तो आपको शुरू से ही जो है इसको साफ़ करना है। मान लीजिए आपकी गाड़ी का इंजन कंपार्टमेंट बहुत ज़्यादा गंदा है तो आप उसको साफ़ कीजिए, फिर उसके बाद 1-2 दिन बाद फिर साफ़ कीजिए। धीरे धीरे करेंगे तो 1 महीने के अंदर जो है कम से कम 4 बार आपको करना होगा, तब जाके वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। लेकिन ये डिपेंड करता है कि वो कितना गंदा हो चुका है, ठीक है। अब मेरी गाड़ी नई थी तभी से जो है मैं इस तरह से क्लीनिंग कर रहा हूँ, इस वजह से जो है मेरी गाड़ी का जो इंजन कंपार्टमेंट है वो एकदम से क्लीन रहता है। इसमें कोई ट्रिक नहीं है। तो अभी दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या ट्रिक अपनाता हूँ, किस तरह से अपनी गाड़ी का इंजन साफ़ करता हूँ, गाड़ी को साफ़ करता हूँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।